Good morning, students. As now we are going with the online classes, उसमें क्या है कि 2 to 3 students जो हैं वो हमेशा miss हो जाते हैं. That's why I am making this video for everyone so that they can also see what is going on. As we have completed our 3 chapters, last chapter we have covered was resources. Fine. Now for your UT1, there will be 4 chapters. There are 4 chapters in your syllabus, and your 4th chapter is the life of tribals and the Dikus. This is basically your 2nd chapter of history. In this chapter, what we will study कि जो tribals होती हैं, tribals एक तरह से लगा लो कबीले, मतलब जो forest में लोग रहते हैं, आदिवासी जिनको हम बोल देते हैं, उनकी लाइफ्स के ऊपर पढ़ेंगे एंड दी डीकोस उनकी लाइफ के ऊपर बना पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर वी आर फर्स्ट टॉपिक इज ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया ड्यूरिंग दी 17th and 18th century. कि ट्राइबल ग्रुप्स कौन कौन से थे इंडिया में 18th और 17th century में. इन फर्स्ट पैराग्राफ देयर इज़ गिवन दैट कि एक स्कूल का फंक्शन है जो एक वीक बाद होना है. उसमें 4 स्टूडेंट्स हैं, एफिडैक, ड्रिलडैक, एस्ट्रोडैक, क्लोनडैक. वो अपने ट्राइबल डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड जो एस्ट्रोडैक है वो अपने मास्क को ढूंढ रहा है, या कह लो ट्राइबल हेडगियर. हेडगियर होता है कोई भी चीज़ जो सर पे पहनी जाए. ठीक है. हेयर फ्रॉम इन दिस पैराग्राफ वी आर गिवन दैट कि हम बहुत सारे ट्राइब्स और ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और हर ट्राइबल सोसाइटीज़ के क्या हैं, जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बहुत अलग हैं. मेन स्ट्रीम सोसाइटी कह लो हम आम लोग जो जी रहे हैं, है ना. इनमें दिखा रखा है कि ये मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ डिड नॉट हैव एनी शार्प सोशल डिवीज़न. कोई सोशल डिवीज़न नहीं है, बस ऐसे ही रह रहे हैं. थोड़े लेस एगेलिटेरियन है नेचर में. एगेलिटेरियन का मीनिंग है क्लासलेस, मतलब कोई क्लास नहीं है इनको, कोई हिसाब नहीं है. हाउ टू लिव अ लाइफ, ये बस चल रहे हैं अपना. ठीक है. इनके क्या हैं कॉमन रिलेशंस, ये शेयर करते हैं. कल्चर है इनके, कस्टम्स, रिचुअल्स अलग अलग ही हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ में वी आर गिवन दैट आई एम जस्ट मेकिंग द समरी ऑफ दिस चैप्टर सो दैट आपको आइडिया हो जाए व्हाट इज़ गिवन इन दिस चैप्टर. मिडिवल एज में क्या हुआ था, कुछ जो ट्राइब्स थी वो हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में मिक्स हो गई थी, और उन्होंने अपने अलग अलग प्रोफेशंस को अपना लिया. अलग अलग प्रोफेशंस जैसे कई ट्रेडर्स बन गए, कई मेडिकेंट्स बन गए. मेडिकेंट्स होता है जो लोग मांग के खाते हैं. मेडिकेंट्स यू कैन सी नीचे उसका मीनिंग दे रखा है 3rd number पे, कि जो लोग मांग के खाते हैं. हमारी गली में भी आते हैं, है ना. ऐसे ही कई पैटी पेडलर्स बन गए. पैटी पेडलर्स होता है जो घर घर जाके चीज़ों को बेचते हैं. कई ट्रांसपोर्टर्स बन गए, और कई रूलर्स बन गए, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बन गए. कई लोग तो हमारे बीच में मिक्स हो गए, ऐसी ऐसी प्रोफेशंस को अपना लिया, और कई वहीं पर ही रह गए, फॉरेस्ट में ही रह गए, और उन्होंने अपनी सब्सिस्टेंस फार्मिंग शुरू कर दी. फार्मिंग जो बस उनकी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, और या वो हंटिंग और गैदरिंग के सहारे जी रहे थे फॉरेस्ट में ही. ड्यूरिंग द 19th century द ट्राइब्स विच रिमेंड इन द फॉरेस्टेड पार्ट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया प्रैक्टिस अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस. 19th century में क्या हुआ, जो फॉरेस्ट में रह रहे थे ट्राइब्स, उन्होंने भी अलग अलग ऑक्यूपेशंस को शुरू कर दिया करना. नेक्स्ट है हमारा, यू कैन सी हेयर, झूम कल्टिवेटर्स. इसमें आपको मैं एक बार आइडिया दे देती हूँ इसमें क्या है. झूम कल्टिवेटर्स क्या चीज़ है, बेसिक आपको सिंपल हिंदी भाषा में बताऊं तो, जैसे मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, मैंने उस पर कल्टीवेशन की, उस पर अपनी क्रॉप्स उगाई जो मुझे ज़रूरत है, उनको खाया. फिर मैंने क्या किया, उस पर 2-3 बार अपनी यूज़ किया उस लैंड को, फिर वो लैंड इनफर्टाइल हो गई. इनफर्टाइल मतलब अब उस पर कुछ भी उग नहीं सकता, तो मैंने उस लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया. फिर मैं कोई और लैंड पर जाके अपना काम करने लग गई. ठीक है. इसमें क्या है, स्टार्टिंग में मैंने जो लैंड यूज़ की थी वो फॉरेस्ट लैंड थी. फॉरेस्ट का जो भी प्रोड्यूस था उसको पहले मैंने बर्न कर दिया, लैंड को क्लियर किया, क्लीन किया, फिर उस पर अपनी कल्टीवेशन की. 2-3 साल तक कल्टीवेशन की, फिर छोड़ के मैं दूसरे लैंड पे जाके कल्टीवेशन शुरू कर दी. ठीक है. तो
तो इसमें यही है, झूम कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न भी बोल देते हैं, कि काट दिया पहले जो भी बड़ा बड़ा था, फिर सारी ज़मीन को जो भी ज़मीन के ऊपर था उगा हुआ उसको जला दिया। अभी इसमें जो आपको मेन चीज़ याद रखने वाली है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस जोन में क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, दैट एक्सप्लेन झूम कल्टीवेशन। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है इस कल्टीवेशन में, इसमें होता है जो फॉरेस्ट वेजिटेशन होती है, फॉरेस्ट में खुद से ही अपना उगा हुआ जो भी कुछ होता है उसको पहले कट करके कट किया जाता है, ताकि जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक पहुंच पाए। अभी जंगलों जंगल तो कितने घने होते हैं, है ना, कितने बड़े बड़े पेड़ सब कुछ लगा होता है, उनको पहले काट दिया जाता है ताकि सनलाइट ग्राउंड पे पहुंच जाए। थर्ड पे क्या है, फिर मेटल ब्लेड के साथ सॉइल को स्क्रैच किया जाता है, खोदा जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा उखाड़ा जाता है और सीड्स को फैला दिया जाता है। थर्ड है आफ्टर अ रेपिटिशन ऑफ 2-3 क्रॉप साइकिल, 2-3 बार मैंने उसको यूज़ कर लिया लैंड को अपनी कल्टीवेशन के लिए, है ना। फोर्थ पे क्या है, उस लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, लेफ्ट फेलो, 2-3 साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो दोबारा से फर्टाइल हो जाए, दोबारा से काबिल हो जाए कि उस पर कल्टीवेशन हो सके। फिफ्थ पे क्या है, जो नेचुरल वेजिटेशन दोबारा से उग जाती है, जिस लैंड को हमने छोड़ा था, है ना, नेचुरली ग्रो कर जाती हैं चीज़ें, फिर से वो रेडी हो जाती है लैंड झूम कल्टीवेशन के लिए। उसको काट के क्लियर कर देंगे, फिर उसको जला के मिट्टी को खोद के सीड्स फेंक देंगे, फिर 2-3 बार उस लैंड को यूज़ करेंगे, जब वो इनफर्टाइल हो जाएगी उसको छोड़ के दूसरी लैंड पे चले जाएंगे, तब तक वो अपनी नेचुरल वेजिटेशन को दोबारा से रीगेन कर लेगी, फिर से वो रेडी हो जाएगी झूम कल्टीवेशन के लिए। झूम कल्टीवेशन जो है इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, 2-3 बार यूज़ करके उस जगह को, है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेनली होती कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में, झारखंड, मध्य प्रदेश, नीलगिरी रीजन एंड डेक्कन में। नाउ नेक्स्ट वी हैव हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स एंड गैदरर्स इन मैनी रीजन्स लाइक ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड झारखंड, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो कैसे जीते हैं, एनिमल्स को हंट करके, फॉरेस्ट से जो भी मिलता है गैदर करके, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करके, उनकी मतलब पूरी लाइफ उनके ऊपर डिपेंड हैं। उनमें से एक टाइप जो है वो है द कॉन्स, कॉन्स को हम कांस भी बोल देते हैं, और ये सबसे पहली अर्लीस्ट ट्राइब मानी जाती है, कि सबसे पहले ये लोग थे। साइड पे आप पिक्चर भी देख सकते हो, कुटिया कॉन्ड गर्ल ऑफ ओडिशा की। ये मेनली कहाँ होते हैं, ओडिशा आंध्र प्रदेश में। ये क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। फिफ्थ है ये फ्रूट्स एंड रूट्स को भी कलेक्ट करते हैं। ऑयल कहाँ से निकालते हैं, साल एंड महुआ सीड्स से, है ना। मेडिसिनल प्लांट्स को यूज़ करते हैं डिसीज़ को क्योर करने के लिए। नेक्स्ट लास्ट है पॉइंट, जो लेदर वर्करर्स हैं, जो क्लोथ को डायर करते हैं, वो लोग भी कॉन्स में मिल गए थे कुसुम एंड पलाश फ्लावर की तलाश में, क्योंकि जो ये कुसुम और पलाश फ्लावर्स हैं ये कलर देने के काम आते हैं, तो उनकी खोज में ये लोग भी कॉन्स के साथ मिल गए थे। नेक्स्ट टाइप है द बैगास। बैगास जो हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, MP, UP, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे एरिया में। सेकेंड मोस्टली कहाँ मिलते हैं, मंगला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। साइड पर पिक्चर देख सकते हो यंग बैगला वुमेन की, अजीब से है ना लोग। थर्ड है दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, की काटो फिर जला दो, वो वाली कल्टीवेशन को ये वो करते हैं। फोर्थ है लीव्स कलेक्ट करते हैं, हनी, रूट्स, ट्यूबर्स, ट्यूबर्स आपका एक पोटैटो की तरह टाइप होती है, उनको कलेक्ट करते हैं और हंट करते हैं स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स को। नेक्स्ट है ये फ्री स्पिरिट्स हैं, मतलब आज़ाद घूमते हैं बिल्कुल, दूसरों के नीचे काम करना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है ये खुद को ओरिजिनल इनहैबिटेंट मानते हैं फॉरेस्ट का, कि हम ही यहीं के लिए पैदा हुए हैं, हम ही यहाँ पे हैं, है ना, और उनकी पूरी लाइफ किस पे डिपेंड है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। नेक्स्ट है देवर रिकल्सिव। रिकल्सिव होता है अकेला अकेला अपने आप में रहने वाले, ये खुद में ही रहना पसंद करते हैं। डिड नॉट मिक्स अप मच विद द पीपल ऑफ अदर रीजन्स, दूसरे लोगों में ज़्यादा मिक्सअप होना नहीं पसंद करते। ये जो प्रैक्टिसेस हैं ट्राइबल लोगों की, ये मेनली किस पे डिपेंड है, अगर आप देखोगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे। अगर फॉरेस्ट से उन्हें चीज़ें मिल रही हैं तो उनका घर बार चल रहा है, वो खा पी रहे हैं,
दे बाटर्ड दीज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। बाटर सिस्टम होता है, जैसे आपके पास चीनी है, मेरे पास आटा है, तो हम मुझे चीनी की ज़रूरत है, आपके आपको आटे की ज़रूरत है, तो वी विल एक्सचेंज आर थिंग्स। बार्टर सिस्टम होता है, चीज़ों के बदले चीज़ों को लेना। डेली लाइफ में ये सब करते हैं, है ना। कुछ कुछ अलग कुछ लोग हैं अलग अलग टाइप की जॉब करते हैं अपने डेली वेजेस के लिए। जब क्या होता है, फॉरेस्ट की प्रोड्यूस श्रैंक हो जाए, व्हेन द सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रैंक। अभी ऐसा तो है नहीं कि तुमने फ्रूट्स काट के खा लिए एक पेड़ में से, तभी के तभी उसके ऊपर फ्रूट्स लग जाएंगे, है ना। टाइम तो लगता ही है। जब ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट की कम हो जाएं, तो ये जॉबलेस हो जाते हैं और इधर उधर घूमते हैं फॉर वर्क, ठीक है। कुछ लोग पीजेंट्स की तरह, फार्मर्स की तरह, लेबरर की तरह काम करते हैं फार्मर्स के फील्ड के ऊपर, डिपेंड हो जाते हैं टोटली आउटसाइड ट्रेडर्स के ऊपर, है ना। इसके वजह से क्या है, देवर एक्सप्लॉयटेड बाय दीज ट्रेडर्स। जो बाहर के ट्रेडर्स हैं, इनको अच्छी तरह से लूटते हैं, इनको चीज़ें बहुत हाई प्राइसेस पे देते हैं। दूसरी तरफ कौन है, मनी लेंडर्स, जो इनको लोन पे मनी देते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं। मतलब अगर मैं 100 रुपये दे के आपसे बदले में 110 लेती हूँ, तो ये ट्राइबल्स के ऊपर क्या करते हैं, 100 रुपये दे के उनसे 150 रुपया वापस लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत बुरे कर्जे में फंस जाते हैं और उनकी लाइफ बहुत मिजरी हो जाती है, बहुत गरीबी आ जाती है। इसलिए जो ये ट्राइबल्स हैं, ये मनी लेंडर्स को एक तरह डिकूस के रूप में देखते हैं, जिसको हम डाकू बोल देते हैं, और दी एविल आउटसाइडर्स। हेयर आर वी आर गिवन प्रैक्टिस जोन 1। I want you to go through the video first, then read this each and every line by yourself. Then I want you to do practice zone 1 questions from your notebook, ताकि आप इसको पढ़ो भी और अच्छे से याद भी कर लो for your UT 1. Thank you so much.